वालेकुम सलाम। तू यहाँ क्या कर रहा है? इलियास ने देख लिया ना, गजब हो जाएगा। अपने पैसे वापस लेने आया हूँ भाभी। कौन से पैसे भाई? अच्छा कौन से पैसे? कुत्ती वाला मामला याद है? सीन से गायब होने के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें। हाँ तो तेरी बेवकूफी की वजह से कुछ नहीं हुआ और इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन से पैसे दूँ अब मैं तुझे? देखो भाभी, इज्जत से पैसे वापस कर दो, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे से आता है। अरे जा जा, तू जैसे उंगली टेढ़ी करने वाले ना बहुत देखे कश्मीर में, निकल यहाँ से। देखो भाभी, पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, जिस तरह से भी दे दो, इज्जत से या किसी और तरीके से, वरना इलियास भाई को तो हकीकत बता ही सकता हूँ ना मैं तुम्हारी। इलियास के नाम से मत डराया कर मुझे, उससे कौन डरता भाई? सीधी तरह बता दो भाभी, ये मेरे पैसे का समझ आई? अरे पैसे तो इधर होंगे ना, ये तुम्हारे मशहूर जमाना संदूक में है, संदूक में है ना पैसे। बात सुन, खबरदार जो मेरे संदूक की तरफ नजर उठा के देखी, तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। देखो भाभी, देखो ऐरा गहरा मत समझो, खालिद नाम है मेरा। चलो चावल चाबी निकालो। इन खिलौनों से नहीं डरती किश्वर। खिलौना नहीं है, जरा गौर से देख लो, बहुत महंगी लेकर आया हूँ, समझ आई? चाबी निकालो नहीं तो अभी के अभी ठोक दूंगा यहाँ। तो तू अब पैसों के लिए अपनी भाभी पे बंदूक चलाएगा? सीधी तरह से कह रहा हूँ चाबी निकालो भाभी, बहुत हो गया मजाक। अच्छा इसको नीचे कर, दे रही हूँ। हाँ कर लेते, अच्छी बच्ची हो गई हो तुम, इसको मत देखना। कौन सी वाली चाबी है बताओ? ये वाली, सिर्फ अपने पैसे लेना खालिद। तो देखते हैं ना कि निकलता क्या क्या है, पैसे नहीं ना। भाभी बड़ा खजाना छुपा कर रखा तुमने तो, हैं? बात सुन, जो कुछिया के लिए दिए थे ना पैसे, वो यही है, मैंने खर्च नहीं किए और जेवर सारा नकली है।